अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। जैसे कि गाइज, आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने अपनी CSS वेबसाइट के तमाम पेजेस में मेन्यू को डन कर लिया था। आज हमें बेसिकली बनाना है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले मैं CSS वेबसाइट को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से इस फोल्डर में पड़ा है एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज, इसको गूगल क्रोम पे ओपन करके आपको व्यू दिखा देती हूँ। इससे पहले भी हम लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना चुके हैं, लेकिन जस्ट यूजिंग HTML टैग्स, क्योंकि तब हम HTML की वेबसाइट बना रहे थे तो हमने सिर्फ वेबसाइट बनाई थी जो इसकी वेबसाइट। तो अब हम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे वो विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS होगा। ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मेन्यू वगैरह डन है, फुटर भी डन है। ये जो यहाँ पे कंटेंट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बनेगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पहले सेपरेट बनाएंगे, देन यहाँ पे इस एरिया पे आके इसको लगा लेंगे। इसको मैं कर देती हूँ अब क्लोज। जो यूज़र न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, वो पहले प्रीवियस तमाम वीडियोज़ को देखें, समझें, फिर इस वीडियो पे जंप करें, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस का रेफरेंस देकर ही नेक्स्ट वीडियोस बनाई जाती हैं। ये है मेरे पास एडिटर, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ नोटपैड को। आज हम जो है वो पहले सबसे पहले HTML वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। आपने ध्यान से समझना है। आपको पता है कि CSS एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक टैग्स, सब कुछ HTML वाला यूज़ होता है। CSS को हम एक फिनिशिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक आप भी बोर हो गए होंगे सुन सुन के, लेकिन चूँकि हम वीडियो जब बनाते हैं, हमारा हक बनता है कि हम आपको बताएं, ताकि जो यूज़र फर्स्ट टाइम भी आए उसको भी थोड़ा बहुत पता चले कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो यहाँ पे हम HTML वाला स्ट्रक्चर राइट कर लेंगे। ये लीजिए गाइस, स्ट्रक्चर राइट हो गया। बॉडी के इनर साइड चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें बनाना है एक HTML वाला, बिल्कुल अच्छे वाला काम पहले डन करना है, देन हमें CSS की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले एक div टैग मैं लूँगी। टैग मैंने स्टार्ट किया, div टैग मैंने क्लोज कर दिया। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसके अंदर बनना है, उसका मेन जो है वो div है, ठीक है। इसके इनर साइड आएँ, एक हेड टैग का यूज़ करते हुए यहाँ पे हेडिंग दे दें। ये ले जी गाइस, हेड टैग का यूज़ करते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने राइट कर लिया। ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा मेन div है, ठीक है, यानी कि इसके इनर साइड सारा काम होगा, ठीक है। यहाँ पे अब एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे चूँकि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। इसका व्यू भी साथ ओपन गूगल क्रोम पे कर लेते हैं, ताकि जो काम करते जाएं वो हमें शो होता जाए कि हम बेसिकली काम कर कौन कौन सा रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नाम से ही मैं इसको सेव कर लूँगी, .html एंड सेव। ये मेरे पास आ गया रजिस्ट्रेशन वाली फाइल, उसको गूगल क्रोम पे ओपन किया। ठीक गाइज, ये व्यू देख लें। पहले हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो आ रहा है, देन जो अभी हम लोगों ने हेड टैग के ज़रिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म राइट किया है, सेकंड नंबर पे हमारे पास वो आ रहा है, ठीक है। फर्दर एक फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। मैंने आपको शायद पहले भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाते हुए बताया था कि हमें फॉर्म जब बनाना होता है तो फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ता है, ताकि CSS में डाटा जो है वो इजीली शिफ्ट हो जाए। ये देखिए, फॉर्म टैग स्टार्ट किया, फॉर्म टैग मैंने कर दिया क्लोज। अब इसके इनर साइड आना है आपने। एक तो आपने पहले इसका मेन डिव ले लेना है, ठीक है। पहले पूरे जितना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनेगा उसका मेन डिव था,
अब फॉर्म के इनर साइड मैंने एक मेन डिव लिया, अब इसके अंदर मैं फिर एक डिव लूँगी, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन है, अब इस फॉर्म का मेन डिव ये है, इसके अंदर अब डिव लगा लगा के हम लोग काम करेंगे। थोड़ा सा जो है ना इसको आपने ध्यान से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इस डिव के इनर साइड एक लेबल टैग यूज़ करेंगे, लेबल टैग आपके लिए न्यू है, लेबल टैग स्टार्ट किया, लेबल टैग क्लोज कर दिया। इसके इनर साइड आएंगे और कहेंगे कि फुल नेम, ठीक है। सॉरी गाइस, ये मुझे यहाँ राइट करना है, ये फुल नेम मैंने राइट कर लिया। कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश, फुल नेम आ गया। अब इसके नीचे हमें बनाना है एक इनपुट टैग, इनपुट टैग टाइप आपने बतानी है कि टाइप कौन सी है। मैंने कहा टाइप मेरे पास है टेक्स्ट की, क्योंकि जब नेम लिखते हैं तो टेक्स्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। देन इसके बाद इसका नेम आपने क्या राइट करना चाहते हैं, फुल नेम। इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें। और अगर आप प्लेस होल्डर भी राइट करना चाहते हैं, प्लेस होल्डर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे बॉक्स के अंदर एक डिम सा लाइट सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, वो हमारे पास प्लेस होल्डर की वजह से ही आता है। मैंने कहा एंटर करें फुल नेम को, कंट्रोल एस करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फुल नेम राइट किया हुआ आ गया है, ठीक है। अब हमारा काम हो गया आसान। अब आपने क्या करना है, इस डिव से इस डिव की कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल सी से एंड कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करके फुल नेम की जगह क्या आ जाएगा, यूज़र नेम। इसी यूज़र नेम को करें कॉपी और यहाँ एंटर फुल नेम की जगह भी क्या आ जाएगा, यूज़र नेम। और फुल नेम की जगह भी ये क्या राइट करेंगे, यूज़र नेम। और टेक्स्ट टाइप तो टेक्स्ट ही रहेगी, क्योंकि ये भी हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में ही आएगा। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखें यूज़र नेम ऐड हो गया। देन फिर से हम इसकी करेंगे कॉपी, यहाँ आके इसको करेंगे पेस्ट और यहाँ हम राइट करेंगे ईमेल, टाइप भी ईमेल, यूज़र नेम भी ईमेल। और प्लेस होल्डर में भी आप क्या कह दें, ईमेल। कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, तो ईमेल आ गई। फिर से कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें, फ़ोन नंबर आ जाएगा नेक्स्ट। टाइप मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगी, यहाँ भी फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। जो आप चीज़ ऊपर राइट कर दें वही इसका नेम भी यहाँ पे आएगा। और एंटर फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देंगे आप, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, तो फ़ोन नंबर भी आ गया। इसी तरह फिर से कॉपी करें, पेस्ट करें और यहाँ पे लिख दें पासवर्ड।
टाइप भी हमारे पास पासवर्ड ही आ जाएगी। नेम भी पासवर्ड आ जाएगा और प्लेस होल्डर में भी आप क्या कह दोगे, एंटर पासवर्ड। यहाँ स्पेस दे दें, कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब कंफर्म पासवर्ड ऐड करना है तो इसी की कॉपी करके इसको पेस्ट करें नीचे और कंफर्म पासवर्ड राइट कर दें। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब गाइज ये देखें, पहले सबसे पहले एक मेन डिव लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने हेडिंग दी थी, फिर मैंने एक मेन डिव फॉर्म का लिया था और वो फॉर्म का डिव जो है मेन वो यहाँ क्लोज हो रहा है और ये वाला डिव जो है वो इसका क्लोज हो रहा है। ये इतना क्लोज हुआ और ये मेन डिव क्लोज हो गया। इसके बाद मुझे फर्दर एक डिव लेना है, डिव टैग स्टार्ट किया, डिव टैग क्लोज किया, इसके इनर साइड पे एक स्पैन टैग का यूज़ करते हुए पहले एक हेडिंग ऐड कर दें। स्पैन टैग स्टार्ट किया, स्पैन टैग मैंने क्लोज किया और इसकी इनर साइड आके आपने लिखना है जेंडर। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो जेंडर राइट किया हुआ आ गया। ये एक तरह से हेडिंग ही है क्योंकि हम लोगों ने मेल फीमेल और अदर वगैरह बताने हैं तो यहाँ पे आप एक इसको एक हेडिंग ही समझ लें। ठीक है, अब इसी के नीचे आपने अब ये जो है वो एक मेन डिव है, इसके अंदर फिर से एक डिव लेंगे आप। और इसकी इनर साइड सबसे पहले तो आपने एक लेबल टैग लेना है। लेबल टैग स्टार्ट किया, लेबल टैग मैंने क्लोज कर दिया, इसमें आप राइट करें मेल। कंट्रोल एस, रिफ्रेश तो मेल राइट किया हुआ आ गया नीचे। अब एक इनपुट का टैग ले लें इसके नीचे, इनपुट टैग मैंने स्टार्ट किया, इसकी टाइप हम रेडियो यूज़ करते हैं और यहाँ पे नेम यानी कि वैल्यू भी आपने क्या ऐड कर देनी है, जेंडर ही। और टैग कर देना आपने क्लोज, इसको कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश तो आपने देखा कि ये एक रेडियो सा सर्कल सा बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप मेल को बाद में लिखना चाहते हैं और ये जो रेडियो टाइप है जो सर्कल है वो पहले आए तो आपने जस्ट लेबल के टैग को यहाँ से कर देना है कंट्रोल एक्स से कट और इसको कर देना है नीचे पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि मेल बाद में और वो सर्कल पहले आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनपुट से लेकर लेबल तक की करें कॉपी, दो दफ़ा इसको कर लें पेस्ट। एक पे जाके जस्ट लिख दें फीमेल, और दूसरे लेबल पे जाके लिख दें आप अदर। इसी तरह जो जेंडर है वो तो सेम रहेगा, जस्ट आपने इनकी ये वैल्यू चेंज कर दी। कंट्रोल एस, रिफ्रेश तो ये देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई। ओके, अब इसका जो एक डिव ये स्टार्ट था, एक ये डिव स्टार्ट था, दोनों क्लोज हैं, इसको क्लोज आने दें। इसके बाद से फॉर्म टैग के इनर रहते हुए ही एक और डिव टैग ले लें, एंड डिव टैग मैंने क्लोज भी कर दिया। इसके इनर साइड एक इनपुट का टैग यूज़ करें, इनपुट टैग मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पर टाइप जो है वो इसको दे दें आप सबमिट की। इनपुट टैग मैंने स्टार्ट किया, टाइप मैंने सबमिट दे दी और नेम क्या कर दिया, रजिस्टर। कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश तो ये देखिए हमारे पास यहाँ एक्चुअली वैल्यू मुझे राइट करना है तो ये देखिए मेरे पास जो है वो
रजिस्टर लिखा हुआ आ गया। ये हमारे पास जब HTML में जो है वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया, लेकिन CSS से हम इसको करेंगे एक फिनिशिंग देंगे इसको खूबसूरत सी, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको मैंने इसलिए पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपने HTML का इतना सेक्शन डन कर लेना है, ठीक है।